गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोल्डन एक्सक्लूसिव की एक नई वीडियो पे। और आज के वीडियो पे हम बनाने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की ड्रॉइंग। जिस ड्रॉइंग को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हमारे ब्रश स्ट्रोक के A3 पेपर्स, जिसे इस ड्रॉइंग को हम A3 पेपर पे बनाने वाले हैं। और गाइस ये हम बनाएंगे टॉम्बो के ग्रेफाइट पेंसिल से। चलिए गाइस बना दे रही है, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस अब मैं 3 सेमी में छोड़ छोड़ कर मार्क कर रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से गाइस मार्क करके ग्रिड को गाइस ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस ग्रिड की गाइस मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस बिना ग्रिड और ग्रिड की दोनों की गाइस रेफरेंस की गाइस मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख के ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज हमने आउटलाइन को बनाने के लिए जिस रेफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ, तो गाइज उस रेफरेंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये गाइज वो लिंक, तो आज की वीडियो पे हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं। हम शेड से अगले वीडियो पे करेंगे। तो चलिए गाइज बिना देरी किए फिर आउटलाइन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पे 3H पेंसिल का यूज़ करके गाइस सबसे पहले मैं नेम्स मार्क कर लेता हूँ। गाइस मैं ब्लैक जेल पेन का यूज़ कर लेना हूँ क्योंकि मैं मास्किंग टेप पे ही मार्क कर रहा हूँ। अब गाइस मैं सबसे आईज से शुरू कर रहा हूँ गाइस आउटलाइन ड्रॉ करना। तो चलिए गाइस फटाफट से आउटलाइन को ड्रॉ कर। जब मैंने गाइस पहली आई और नोज और माउथ और गाइस मूंछों को ड्रॉ कर लिया है, अब गाइस मैं दूसरी आई को भी फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस फटाफट से दूसरी आई और फेस को भी ड्रॉ कर। तो
गाइस अब मैंने मूछे और दाढ़ी को ड्रॉ कर लिया है और गाइस फेस का टॉप पार्ट भी गाइस कंप्लीट हो गया। आई नो सब कुछ, तो गाइस अब मैं फटाफट से ईयर को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस मैं रेफरेंस को देख देख कर ग्रिड उस ग्रिड के नंबर पर ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि उसमें दिख रहा है। तो चलिए गाइस फटाफट से पूरे के पूरे आउटलाइन को कम्प्लीट। गाइस मैंने फेस तो गाइस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब गाइस मैं बढ़ रहा हूँ क्लोथ्स की तरफ। तो गाइस क्लोथ्स को भी मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ रेफरेंस से देख देख कर ग्रिड के उस बॉक्स पे उसे वैसे के वैसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से क्लोथ्स को भी ड्रॉ करके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैंने गाइस क्लोथ्स को कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। अब गाइस मैं फटाफट से इन मालाओं को भी बना लेता हूँ। उनके लिए गाइस सबसे पहले मैंने गाइस रेफरेंस से देख कर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हैं इसमें मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और उसके ऊपर गाइस मैं मोतियाँ बनाते जा रहा हूँ। चलिए गाइस फटाफट से इनको भी कंप्लीट करके आगे मतलब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब मैंने गाइस ऑलमोस्ट हेड के ऊपर का भी गाइस कंप्लीट कर लिया है। गाइस यहाँ पे फोल्ड दिखाने के लिए गाइस मैं एक बार अभी के लिए तो गाइस मैं बस पेंसिल से उस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी लाइंस खींच दे रहा हूँ और उसके बाद गाइस जब हम इसे शेड करेंगे तो गाइस हम फटाफट से इसे तब उस टाइप से वहाँ पे डार्क वहाँ पे लाइट उस टाइप से कर लेंगे। और गाइस चलिए फिर आगे बढ़। तो गाइस अब हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन गाइस मैंने कुछ चीज़ करना गाइस मैं भूल गई। गाइस थोड़े डिज़ाइन थे गाइस ऊपर में तो पता नहीं क्या बोलते हैं जो महाराज ने पहनी हुई है उसे गाइस उसकी में गाइस जो डिज़ाइन थे उससे मैं बनाना भूल गया। तो गाइस उसे हम नेक्स्ट पार्ट में गाइस बना के फिर उसे शेड कर लेंगे। तो गाइस अब फटाफट से आप देख लीजिए हमारे आउटलाइन को अच्छे से। गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा पेपर है ढंग से दिख नहीं रहा है। तो गाइस मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ थोड़े से। और गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो गाइस फटाफट से आउटलाइन को पूरा देख लीजिए।